गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं कुल्लू से आई हुई थी 3-4 दिन पहले, और मैं पिछले कल आई हूँ घर शादी से। तो आप लोग इसकी शक्ल आप देख सकते हो, सुबह सुबह हम अभी उठे हैं, और मौसम का हाल आप देख सकते हो, बारिश बारिश हो रही है। अच्छी बात है, बारिश हो रही है। और हम अभी जा रहे हैं चाय बनाने, चाय का सेवन करने। नहीं, चाय मैंने लाई है। लाई थी? अच्छा, तो फिर मैं नीचे जाती हूँ, फिर आकर दूंगी झाड़ू। पहले हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। और मैं अब घर पर 4-5 दिन के लिए हूँ। मम्मी आजकल अकेले क्या कर रही है? चलो, मेरी दुलाई एक ही है। अभी नरगिस ने मेरी वीडियो बनाई है, तो आप जाकर देख सकते हो। इंस्टा में चेक कर सकते हो, अदिति ठाकुर 661 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप वहाँ पर जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। इतना प्यारा लग रहा है ना ये व्यू, कैमरा में उतना मतलब दिख नहीं रहा है साफ, पर वैसे इतना सुंदर लग रहा है ना। मैंने स्वेटर पहन ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है घर पर, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और नरगिस अभी जा रही है स्कूल, अभी नहीं जा रही है, जाएगी थोड़ी देर में। तो आजकल नरगिस अकेली होती है। नरगिस कैसा फील हो रहा है तेरे को? हम सारे होते हैं आजकल कुल्लू में, और नरगिस बेचारी अकेली होती है। बहुत ही गंदा। पता क्या बोल रही थी, हम सारी बहनें जो भी, आयशा, मैं, विपाशा, इशिता, हम सारे, प्रणव, पीयूष, सारे सानिया, हाँ साने भी है, हम सारे आजकल कुल्लू में होते हैं, और नरगिस यहाँ पर अकेली होती है। और क्षितिज भी होता है, क्षितिज तो अपनी दुनिया में रहता है, और ये बेचारी अकेली होती है यहाँ पर। सोचती भी अकेली है, और कह रही थी, बोला क्या कह रही थी बता। और यहाँ पर दादी आ गए है, ये है मेरी दादी जी। कि वे बताया नरगिस कैसा फील हो रहा था फिर को घर पर। नरगिस अकेली होती है बेचारी। अब बोलती हूँ फिर से, ठीक है। कह रही थी कि जब रात होती है तो मेरी आंखें उल्लू की तरह ऐसे बाहर निकलती है, और सुबह होते ही मेरे को नींद आनी शुरू होती है, और इसको सुबह उठना पड़ता है। कोई ना नरगिस, एक दिन तेरा भी टाइम आएगा, तू भी यहाँ से चली जाएगी शादी करके। शादी करके नहीं, तो तेरे को बोली थी चल नीचे, फिर नीचे पढ़ते हैं हम सब, सारी बहनें होंगी नीचे, है ना। इसको भी नीचे आना चाहिए ना, कहाँ नीचे कुल्लू। तो अभी इसने मास्क लगा लिया है, और इसके मजे है क्योंकि मैं 4-5 दिन के लिए घर पर हूँ, और घर पर जो ये सारा काम करती थी ना, वो मैं सारा अब मैं करूँगी। सो ये बहुत ज़्यादा खुश है ना। तो जब मैं जाऊँगी 4-5 दिन बाद, तब तो तेरे को करना पड़ेगा सारा काम। तो पड़ेगा करना। सब ठीक है भाई, मैं जा रहे हैं खेत। मम्मी थोड़े से बीमार थे, तो कहा कि भाई थोड़े पूरा चलते हैं फिरते हैं, इधर उधर बिस्तरे में रह रहे कि ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, इनका कहना है। ये किला तो पड़ा एक किलो है। मुझे नहीं पता, मैं तो पिछले कल आई अभी हम जा रहे हैं खेत। अभी बजे लगभग 4, और अभी दिन भर मौसम ख़राब था, और 4 बजे मौसम ठीक है, तो मम्मी ने कहा कि खेत जाना है। हम जा रहे हैं खेत निडाई करने। किल्टा भी हमने जा रहे हैं, आती बार हम इसमें घास लाएंगे। तू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यार। और उस ट्रैक वहाँ पर है, वहाँ पर इस साइड और उसका ट्रैक है। पिछले 3 दिनों से मैं शादी में थी, और पिछले कल मैं घर आई हूँ। वैसे जाना तो मुझे कुल्लू था, फिर मम्मी ने कहा कि दे मेरी हेल्प करने, तो मैं आई हूँ मम्मी की हेल्प करने। वैसे तो होती थी सानिया, इशिता, नरगिस घर पर, अब वो भी नहीं है, अब सिर्फ नरगिस ही है। नरगिस भी स्कूल जाती है, और फिर मुझे आना पड़ा हेल्प करने मम्मी की, क्योंकि अकेले होते हैं और थोड़े से बीमार भी है ना मम्मी, और थोड़े से बीमार भी है ये हो ना। यहाँ देखिए मक्की भी अब हो गई है बहुत बड़ी बड़ी। घर से काफ़ी दूर हमारा खेत है, लगभग कितना कितना टाइम लगता है चलने में? 15 मिनट, हाँ लगभग 15, हाँ आधा घंटा समझ लो, आधा घंटा लगता है आराम आराम से चलने में, और अगर जल्दी जल्दी चले तो 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। और मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आप तक पहुंचेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल नदी का बहाव बहुत तेज़ है,
तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो हम ऊपर ही, नदी से थोड़ा सा ऊपर है और एग्जैक्ट नदी के पास में ही हमारा खेत है, तो हम वहाँ जाएंगे निंदाई करने। और वहाँ देखिए मेरी बुआ और दादी भी आ गए। हाँ जी नमस्ते दादी जी, नमस्ते बूजी। आजकल ना मतलब सुबह शाम ही काम करने को होता है, दिन में तो अगर वैसे अगर बारिश रही तो मौसम ठीक रहता है, और अगर बारिश ना हो कि धूप हो ना, तो दिन में मतलब काम करने को ही नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना यहाँ पे, तो सुबह शाम का जो टाइम है उस टाइम दिन से ज़्यादा काम होता है। बस हमें वहाँ जाना है नदी के पास। हाँ मुझे लगा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है। और वहाँ पर आप देखो स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड बोलते हैं ना स्टैंड। कटकटे ही है ना मन दे मिठाई खोलो भी। नीचे आप देख सकते हो ये जो सार है ना, लोग ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं और जब ये पक जाते हैं तो इसका बीज घर ले जाते हैं और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसका तेल बनता है। आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा, जो मैंने मतलब ढंग से फर्स्ट व्लॉग जो बनाया हुआ है वो आप देख लेना। उस टाइम मैंने भी मैं और मम्मी नरगिस भी गए हुए थे इन खुमानियों को लाने, तो अगर किसी ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस टाइम कैसे इनको खोला जाता है, इनके अंदर के बीज को, और इसका तेल भी बनाया जाता है। हम पहुंच गए खेत और आप देख सकते हो ये है राजमा, दिख रहा है क्या, घास घास ही लग रहा है मुझे तो। निंदाई करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि इस बार जो घास है ना बहुत ज़्यादा घास है, और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप। हाँ जी है ना पूरे ना, मम्मी कह रहे हैं कि पूरे खेत में हम लक्कड़ लगाएंगे, तब देखना, मम्मी बोले तब देखना बोला कितनी अच्छी डाल होगी। ओके देखते हैं, और यहाँ से व्यू भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और नदी का बहाव भी मैं आपको दिखाती हूँ, नदी का बहाव कितना तेज़ है। पिछले कल रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो नदी का बहाव पूरे वहाँ तक जा रहा है, इतना नहीं होता था, नदी का बहाव जाता था इस पुल से जो ये वाला है बस यहीं से इधर 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 होके इतना ही होता था, इस बार जो बहाव है बहुत ही मतलब लास्ट तक है। बस ये पूरा खेत यहाँ से लेकर पूरा 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 वहाँ तक हमने ख़त्म करना है, लगभग इसे 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, अगर बारिश ना हुई तो ऐसे 1-2 हफ्ता भी लग सकता है।
चुके हैं और इतना हमने कर लिया है 7 बजे तक, और अभी इतना ज़्यादा बाकी है। अभी मम्मा घास काटेंगे, तो घास काटने के बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे। यहाँ पर मम्मा घास काट रहे हैं। क्यों मम्मी ने इसको हाथ से उठा लिया और हाथ में लग गई। मैंने रील्स भी बनाई है, अगर आपको रील्स देखनी हो तो जाके देख ले। इस वाले पॉइंट पे मैंने रील्स बनाई और धूप वहाँ से सामने पड़ रही थी और इतना अच्छा व्यू था ना, वो वाला जो पहाड़ आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा, आप जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दूँगी। और अभी मम्मी यहाँ पर घास काट रहे हैं। धूप जाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। नदी के किनारे तो बहुत ही ज़्यादा, सुबह शाम ना ठंड बहुत ज़्यादा, तो दिन को इतनी गर्मी होती है ना पूछ मत। अभी हम निकल रहे हैं घर की और घास हम थोड़ा सा ले जाते हैं क्योंकि 2 बछड़े हमारे वहाँ हैं, बाकी सारे जो गाय बैल थे वो कालगा लेके गए हैं आंटी, है ना आंटी। तो मैं चलो मैं आपको बताती हूँ मेरी दादी की वहाँ कितने बच्चे हैं। हाँ पोता पोती तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और 3 उनके बच्चे हैं और 5 उनके बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। और ये है उनकी बीच वाली बहू मेरी दादी की, यानी कि मेरी मम्मी। और सबसे नई मम्मी वो टाइम मिला तो बस रात होती है ना, मतलब ज़्यादा रात होती है तो मेरी आंखें खुलती जाती है, मतलब नींद नहीं आती। और जितनी जल्दी सुबह, और जब ये थोड़ा पिंपल हो गया। अच्छा तो फिर से बोलूँगी, चुप रहे मत बोलो। नरगिस बोल रही थी, बोला जब रात होती है तो मेरी आंखें मतलब एकदम उल्लू की तरह होती है, और सुबह जब होती है। अरे नरगिस मेरे को नहीं बोलना यार, क्या जब मैंने पता क्या होता है, जब मैं सोती हूँ जैसे रात को, जोर से फिर से बोलते थे, जब मैं उठती हूँ रात को, नहीं जब रात होती है तो मेरी आँख खुलती या फिर खुल जाती है, सुबह होती है। जोर से बात सुनाई नहीं देगा। नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छा लगा, मैं अकेला बहुत अच्छा लगा, मैं अकेला बहुत ही प्यारा। तो आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दूंगी।